किस्मत को आजमाइए, ना किस्मत का मोल है ना आजमाने का मोल है। एक आइए, दो आइए, चार आइए, आइए मेरे मेहरबान, मेरे करदान, मेरे दोस्तान, मारिए और माल कमाइए। देखिए कमाल, नजरबाजी यानी कि लाइन मारना, सिनेमा की लाइन, घर की लाइन, पानी भरने की लाइन, ये लाइनें तो सब चलती रहती है। अरे यहाँ पर लाइन लगाइए और इन लाइनों के बीच में लाइन मारिए और माल कमाइए। आइए आइए मेहरबान। वाह, देखा आपने कितना आसान खेल है। हाँ, एक तीर एक चांस, एक रुपए से दस रुपए तक लगाइए, दस से सौ रुपए तक लगाइए। अगर तीन निशाने पर बैठा, एक का आठ, दो के सोलह। अरे मेहरबान कदरदान दोस्तान, आजमाओ अपनी अपनी किस्मत। यो ही ना बात। अरे ना जाने और डांसर को क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता। आज मेरे शो का क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा, ओ राजा, इधर राजा, राजा कमाल ला आता हूँ। हाँ, ये रहा आज का कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन तो ठीक है, लेकिन आज के शो का क्या होगा? क्योंकि वो डांसर क्या हो गया, कमरी लचकती नहीं, खड़े खड़े अकड़ गई है ना। सब समझता हूँ, ये लो कमर ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक हो गई ना। चलो अभी चलो 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 चलो। नहीं, आवाज बैठ गई है चिल्ला चिल्ला कर ना। बिल्कुल नरम हो गई है, इस नोट की तरह नरम हो गई है। तो एक काम करो, एक कड़क नोट लो, आवाज एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। फर्स्ट क्लास, आवाज कड़क हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। अरे वाह, वेल डन बॉय, कम ऑन लेट्स गो। Come on.
एक मलाई वाला ला। अरे हाथ तो यूं फैला रहा है जैसे मंदिर में प्रसाद बढ़ रहा है। पहले पैसे निकाल, पैसे ये ले। अरे ये लड़की तो नारियल से भी ज्यादा कड़क है। मोम की होती तो मोमबत्ती बेचती, सड़कों पे नारियल नहीं बेचती, समझे ना? राजा राजा राजा, ओ मेरे राजा। क्या है, कर दिया ना सत्यानाश काम का? हाँ हाँ जानती हूँ, सारा दिन क्या काम करता है, आवारा गर्दी करता रहता है। आवारा गर्दी? हाँ, तेरी उस फटीचर मोटर की दुकान से तो मेरी नारियल की दुकान ज्यादा अच्छी है। अरे सुन ना, मेरी दुकान भी संभाल ले, पैसा भी मिलेगा और तेरा सर हमेशा बिगड़ता रहता है। कभी तो हंसकर बात कर मेरे राजा। तेरे साथ हंस के बात करूँ रानी तो जिंदगी भर रोता ही रहूंगा बैंड की कहीं की। क्या कहा? मैं तुझे मारूंगी। Thank you.
मॉर्निंग डॉक्टर. व्हाट? गुड मॉर्निंग. हाँ गुड मॉर्निंग. या गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ गुड मॉर्निंग. ले बॉय. नो आई एम बॉय. आराम से. गुड नाइट सर. गुड मॉर्निंग सर. टेक टेक. गुड मॉर्निंग डॉक्टर. हाँ गुड मॉर्निंग सिस्टर. गुड मॉर्निंग. यस सिस्टर. सेंड द पेशेंट्स वन बाय वन. हाँ ओके सर. सिस्टर. यस सेंड द वन बाय वन. यस या कान भी पाकी गया. डॉक्टर आपकी तारीफ. आई गॉट इट. शी इज माई वाइफ पीलू. वाइफ. I got it. डॉक्टर साहब इसका तीसरा साड़ी है और हमारा पहला साड़ी है. इसके साथ जो भी साड़ी करता है वो मर जाता है. हमारा क्या होगा डॉक्टर साहब मालूम नहीं. आच्छी! नहीं रे रुस्तम. नहीं रे दिया. डॉक्टर ने संभव है विके बात करवानी हो के. नॉटी बॉय. अरे सुन नॉटी बॉय. सुन नॉटी बॉय. आखी दुनिया जाने क्या है तो हूँ बारगम नो ऑटो करी ने हूँ तारी साथ फंसी गयो छो. आच्छी! डॉक्टर आप उसकी बकपट मत सुनिए. प्लीज उसका कुछ इलाज कर दीजिए. क्या इलाज करूं? सब प्रिस्क्रिप्शन तो फेल हो गए. नहीं डॉक्टर एम ना बोलो. हाँ जो के मजनी का ये नवी दवा निकली हो तो प्लीज इन्हें देव नी. मैं कोशिश करके देखता हूँ. हाँ प्लीज. शायद आराम मिल जाएगा. जॉनी डॉक्टर केवो मजन अच्छे. हाँ तूने नवी नवी दवा भी आपी. बस बस आवे जब भी देखो तभी दवा खिलाती. आइसक्रीम नहीं खिलाती है. देखिए अगर दवा के साथ परहेज नहीं किया तो मुझे इनको एक महीना हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा. रखो रखो डॉक्टर. मेरे को तो बहुत मजा आएगा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नर्स देखने को मिलेगा. बहुत मजा आएगा. मेरे डार्लिंग मैं तो डॉक्टर साहब के साथ जोक मार रहा हूँ. क्यों डॉक्टर? तो कहीं नहीं दिया. हाँ चलो चलो. बाय बाय डॉक्टर. बाय बाय. एक्सक्यूज मी. माय 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 हैंड प्लीज. बाय बाय डॉक्टर. आपके चेहरे से जाहिर होता है कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं. क्या मैं पूछ सकती हूँ इस परेशानी की वजह क्या है? वजह है एक खूबसूरत शरीर सी लड़की. हाँ. वो खूबसूरती के साथ शरारत करती है या उसकी शरारत में खूबसूरती है? मेरे लिए तो मुसीबत है. तो फिर इस मुसीबत को अपने साथ ले जाओ. घुमाओ फिराओ. होटल में चाइनीज खाना खिलाओ. हाँ. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं. मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए और कुछ लोग जीते हैं सिर्फ खाने के लिए. फिर भी दिन ब दिन कमजोरी होते जा रहे हैं. बुरी बात है. बुरी बात है. देखो एक काम करो. उसे रोज सुबह शाम समुद्र के किनारे घुमाने के लिए ले जाया करो. कुछ प्यार की बातें होते करो. उसकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी और तुम्हारी परेशानी भी. अरे क्या खास परेशानी दूर होगी जब देखो बिना वारंट के धमाके के साथ चली आती है डिस्पेंसरी में. मेरी ना जाने क्या करने. अगर इतना तंग करती है कि कभी कभी तो मुझे उसका कान पकड़ कर उससे बिल्कुल बाहर भेजना पड़ता है. हाँ रूडिया चलो ना शेखर. बोर मत करो ना यार. देखो लता ये मेरे पेशेंट्स को देखने का वक्त है. माय फुट. जब देखो मरीज बीमारी कोई खांसता है कोई छींकता है. तुम क्या बोर नहीं होते हो? लुक 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 लता. This is my profession. ये मेरा पेशा है. Profession, पेशा. तुम्हारे लिए सब कुछ है और मेरे लिए कुछ भी नहीं. देखो, आज तुमको मेरे साथ चलना ही होगा. ओ लता. Please, शेखर. Okay. तुम भी क्या याद करोगी? हाँ. Oh, शेखर, I love you. You're great. चलो. हाँ. देखो, हम लोग पहले समुद्र के किनारे जाएंगे. उसके बाद भेलपुरी खाएंगे, फिर बटाटा पुरी खाएंगे, उसके बाद गन्ने का रस पिएंगे. मंजूर? ऑफ कोर्स मंजूर. यस ऑफ कोर्स. मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है. कैसे यकीन? कि तुम मेरे साथ चल रहे हो. मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ. फिलहाल तुम मेरे साथ चल रही हो. हाँ अगर तुम दो कदम आगे चलो तो ये कहा जा सकता है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ. अच्छा. हाँ. ये लो. हाँ.
हाँ, अगर पानी पूरी, बटाटे पूरी, आलू पूरी, गन्ने का रस पीने के बाद अगर तबीयत खराब हो गई तो दवा लेने तुम यहाँ आ सकती हो। हाँ, बाय बाय। एक काट दो कसोला, घूम के दे तकदीर का गोला, बोली लगाइए, बोली लगाइए। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपीज, 40 रुपीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही 40 रुपीज। 40 रुपीज? हाँ। आज पियोगे नहीं? हाँ जरूर पियूंगा, अगर तुम पिलाओगे तो मैं जरूर पियूंगा। हाँ जरूर पिलाऊंगा, क्यों नहीं पिलाऊंगा, लेकिन नहीं नहीं, मैं पारो बहन से कुछ नहीं कहूंगा, अगर कहूंगा तो क्या कहूंगा, रात को तो कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ दिखाई नहीं देता। चले, चलो चलो चलो, मेरा काउंटर संभालना। हाँ पार्वती बहन, पार्वती तुम फिर आ गए, जाओ यहाँ से, आगे ही मौसी की तबीयत बहुत खराब है। तू चुप रहे, पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया है, जो बोलने के लिए आया था जब तक नहीं बोलूंगा ये दर्द नहीं जाएगा। पार्वती बहन, वो जो राजा है ना, किसी मोटर के कारखाने में काम नहीं करता है, जुए के अड्डे में काम करता है। जुए के अड्डे पर? पार्वती बहन, 1 का 8, 2 का 16, जो लगेगा वो पाएगा, जो लगेगा वो पछताएगा, ऐसी आवाज निकालता था। तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ शंकर? नहीं नहीं नहीं, धोखा नहीं हो सकता, ये उस वक्त मैं पूरे नशे में था, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। राजा ने कहा कि इसे बोलना नहीं, मैंने तुम्हें बोल दिया, अब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। पटी पिछलाओ। ये क्या कह रहे हो बापू? क्या कह रहे? जाओ ना तुम, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, ठीक हो गया। कैसी तबीयत है माँ? जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ अभी तक। लगता है मेरी माँ बहुत गुस्से में है। माँ गुस्सा करेगी ना तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटा तो बिगड़ ही चुका है, माँ जिंदा रहकर क्या करेगी? क्या बात है माँ, लगता है मेरे बारे में तुझे किसी ने भड़का दिया। कहाँ से आ रहा है तू? कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से जा रहा हूँ, रोज एक ही सवाल है। वो क्या है माँ, एक टायर पंचर हो गया था, उसे बनाने में थोड़ा सा वक्त लग गया। टायर बना रहा था या माँ को बना रहा है? क्या बकवास कर रही हो? पता चल गया तेरी असलियत का, माँ से कहता है मोटर के कारखाने में काम करता है, दिन भर जुआरियों के साथ बैठकर जुआ खेलता है, 1 के 8 और 2 के 16 करता है। कौन कहता? माँ ये सब झूठ है। मेरे सर पर हाथ रखा, कसम खा, शर्म नहीं आती तुझे ऐसे गंदे काम करते हुए? मैंने तुझे 1000 बार कहा था हम भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, मगर तू कभी कोई बेहुदा काम नहीं करेगा, और एक तो है कि हर रोज बेईमानी की कमाई इस घर में लाता है। है कोई जवाब तेरे पास? बोल, चुप क्यों है? एक बात साफ साफ सुन ले, मैं रोज तुम्हारे ये उल्टे सुलटे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मेरे दिल में आएगा करूंगा, समझी? मौसी चुप हो जा, मौसी चलो उठ। अरे खटिया, अरे तू भी पी गई क्या? उठ ना। अरे ओ बेड़े उठ। अरे जी है, कौन है बेड़े? तेरा बाप। नमस्ते पिताजी, आप तो मर गए थे, फिर कहाँ से आ गए? अब तो तू मरने वाला, तूने क्या बोला माँ से? मैं क्या बोला? उस वक्त मैंने पी रखी थी, सब कुछ याद था, अब नशा उतर गया, लव 40 रुपीज, फिर पीऊंगा, फिर बोलूंगा माँ से क्या कहा है। हाँ, मैं बताता हूँ कि तूने माँ से क्या बोला था। अरे बचाओ बचाओ, दरवाजा बंद किया, बचाओ, आसपास कोई है कि नहीं? चुप। पिलू तारा पैसा नु सत्या नाश, हूं तो पाछो आइसक्रीम खाओ एकलो पड़े एटले। अरे बनवारी, तुमने कुर्बानी खा? नहीं देखा। अरे कुर्बानी नहीं देखा तो इस दुनिया में तुमने देखा क्या? जाओ जाके देखो कुर्बानी, और कुर्बानी में जीने तमान को देखो, सर से पांव तक आइसक्रीम ही आइसक्रीम खाओ। और गाती क्या मालूम है? लैला हो लैला, लैला कैसी तू लैला, हर कोई ही चाहे तुझको मिल। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप आज इधर रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता मैं भूल रहा हूँ यार? नहीं नहीं नहीं, वैसे मैं तो दूसरी गली में आया हूँ, लेकिन आप नाराज मत होइए डॉक्टर साहब, मैंने कैंडी को खाली देखा है, खाया नहीं है। आपको यकीन नहीं आता है ना तो बनवारी को पूछ के देखो। आप मेरे को घूरते क्यों है? मेरे को डर लगता है। शायद आप कुछ भूल रहे हैं। भूल रहा हूँ? जी हाँ। और मैं
हाँ याद आया, उसने आपके डिस्पेंसरी में पीलू के साथ झगड़े में मैं आपकी फीस देना भूल गया। यस 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 लो डॉक्टर साहब, ये 40 रुपीज। ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, शेखर एमडी, हैप्पी नर्सिंग होम है इनका। कभी बीमार पड़ो तो उधर ही चले जाना। मैं जाऊँ? हाँ आप जाइए, बड़े शौक से। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, पीलू ने कैसे मारा मारी। डॉक्टर शेखर एमडी, हैप्पी नर्सिंग होम। चलता है, प्रीत प्लीज। इसे 4 हिस्सों में बांटकर खा लेना। हेलो, नो नो रॉन्ग नंबर प्लीज। यस डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज, थैंक यू। अब तो मेरा बुखार टूट जाएगा ना डॉक्टर साहब, मैंने खा लिया। खा लिया जी? ओ गॉड, यू मीन टू से प्रिस्क्रिप्शन खा लिया जी? नर्स, नर्स। यस डॉक्टर। सिस्टर, दिस लेडी, इसने प्रिस्क्रिप्शन खा लिया। यस यस, सो मैंने दूसरी लिख दी है, दवा दे दो। प्रिस्क्रिप्शन नहीं, प्लीज प्लीज गो, प्लीज कम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर। यस सिस्टर। ये लीजिए। ये क्या है? आज का कलेक्शन 5,000 रुपए। हाँ यस यस, इसे बैंक में रख दो। ओके सर। देखा राजा, इसे कहते हैं राम की लीला। सूरत तो एक जैसी बना दी, मगर तकदीर उसकी 5,000 और अपनी 5 भी नहीं। तू चाहे तो ये 5,000 तेरे भी हो सकते हैं। कैसे? बन जा डॉक्टर शेखर और बैठ जा उस कुर्सी पर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्यों? कमाल है, आपको ये भी याद नहीं? याद तो है लेकिन। खैर कोई बात नहीं, ये रहे आपके 4 चमकदार सूट, लेटेस्ट कलर, लेटेस्ट डिजाइन, एट योर सर्विस सर। ओह थैंक यू, थैंक यू। आई सी, इसका बिल? वो तो हम आपको भेज चुके साहब। भेज चुके हैं? उधर किधर कहीं? कितना? सिर्फ 6,000 रुपए। पुट इन माय अकाउंट, मेरे अकाउंट में। ओके सर। घनश्याम साहब के सूट भाई में रखो भाई। नहीं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। कितने? 4 है साहब। भैया माइकल, माइकल, आपकी आदत नहीं बदल सकती, मेरे जूते की हालत तो बदल दीजिए। माइकल, मेरे को फोन आया था। जी नहीं। क्या बात है, सीधे क्यों नहीं खड़े रहते? क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं, बड़े सरकार को है। बड़े सरकार को? डैडी क्या तकलीफ है? कुछ नहीं। इतना पसीना है? पसीना?
कहां फंसे ना? और क्या आपकी आवाज भी इतनी दबी हुई है? क्या बात करते हो माइकल? क्या मैंने सिगरेट पिया है? सिगरेट भी आपकी जूती में, मेरा मतलब है मेरी जूती। देखा तुम खाओ खा अपने डैडी पे शक करते हो। चलो चलो तुम्हारे इंतजार में मैंने खाना भी नहीं खाया, खाली पिया है। मतलब मेरा मतलब शरबत है रूह अफ़ज़ा। बाबू भाई के जीवन दास, बाबू भाई के जीवन दास। शूटिंग के लिए आइए आइए डॉक्टर साहब, कोई चीज भूल गए क्या? नहीं, मुझे चार सूट चाहिए। चार क्यों, आठ बनाइए आठ। ये चार कलर में से तो चार सूट हम बना चुके हैं। बहुत सारी डिजाइन है, बहुत सारे शेड्स हैं। ये देखिए ये शेड कैसा रहेगा? नहीं मुझे बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे उससे जैसे मुझे दिए थे। वैसे ही? बिल्कुल वैसे ही, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही डिजाइन, वैसे ही कलर, और मुझे परसों तक मिल जाने चाहिए। हाँ बिल मेरा अकाउंट में। समझ गया साहब, समझ गया। पहले तो कुछ कुछ शक होता था, अब लगता है वाकई हमारे डॉक्टर साहब। आल्ट, आप ऊपर कहाँ जा रही है? डॉक्टर शेखर से मिलने। वो ऊपर नहीं है, वो नीचे भी नहीं है। फिर कहाँ है? वो जहाँ है वहाँ आप नहीं जा सकती। ओ, मैं नहीं जा सकती हूँ? कहाँ है वो? बाथरूम में है, नहा रहे हैं। माइकल क्या हुआ? शेखर जल्दी चलो, डैडी की हालत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे हुआ? अरे कैसे हो गया, डॉक्टर तो होगी मैं। मैं माइकल मेरा बैग। अरे बैग वेट छोड़ो, डैडी इज वेरी सीरियस। एक मिनट, अस्पताल से फोन आए तो क्या कहूँ के कहाँ गए? कह देना डॉक्टर साहब किसी के दिल का इलाज करने गए हैं। चलो लेट्स गो। ये मुझे कहाँ ले आए? अरे डॉक्टर होकर इतना भी नहीं समझते? फूलों का संबंध प्यार से होता है और प्यार का संबंध दिल से। यू सिली गर्ल, वहाँ पेशेंट हॉस्पिटल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुम अकेले यहाँ पर। अरे छोड़ो उन मरीजों को। व्हाट? उन मरीजों का तो इलाज कोई भी डॉक्टर कर सकता है। लेकिन मेरा इलाज तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। डोंट टॉक रबिश। Hospital. I have to go to the hospital. Hospital. बाबू डॉक्टर बाबू, हाल सुनो बीमारू का। डॉक्टर
कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ? मेरे पास 40 रुपए नहीं है। 1000 रुपए दे, दारू की दुकान खोलते हैं, पीकर सेहत बनाते हैं और बेचकर माल बनाते हैं। कैसा आइडिया लगा? पागल हो तुम? अरे कम से कम 40 रुपए तो देता जा, तकदीर ही खराब है बेचारे का। 1,00,000 रुपए का आइडिया निकाला था, कोई बात नहीं, किसी और को बेच दूंगा। ये धंधा करोगे? छोड़ना, हाँ हाँ चलना। ए राजा, हाँ राजा, लुच्चा आ गया। हाँ हाँ पहले बुलाता, फिर हिजड़ा बोलता। 1,00,000 भरूंगा, चल निकल ऐसे। राजा राजा हिजड़े को मारना। ला 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 ला, हाय हाय क्या कपड़े हैं। हेलो हेलो, बड़े अच्छे कपड़े हैं भाई, कहाँ से लाए? चोरी करके लाए, तुझे इससे मतलब? तुम्हें को मैंने, तुझे शहर की मैम बहुत पसंद है ना, देख मेम लगती है या नहीं? बिल्कुल बंदरिया लग रही है। कवर निकाल, पूरी स्त्री खराब कर दी। ये स्त्री तो अच्छी है ना? तेरे रानी मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर जो पसंद है वही सिखा देना। राम कसम, जो कहेगा वही करूंगी। वही करेगी? यस यस। कपड़े उतार दें। उतार दूं? ओफो जल्दी कर, मुझे काम पर जाना है। ना दूं तो? तू इस तरह नहीं मानेगा? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? ओहो ये ले। ओह ओह मुसीबत। हाँ जल्दी कर। क्या बड़ा बेशरम है तू, चल जा यहाँ से। जल्दी कर जल्दी कर। मेम बनेगी मैंड की कहीं की। अरे जा जा डरपोक कहीं का बेसुरा। प्यार के दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकता, हमेशा काटने को दौड़ता है। गोबर गणेश मिट्टी का माधव, ये ले अपनी सड़ी हुई पतलून। कुछ समझता ही नहीं, कोलू का बैल। मेरी जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। घूम जाओ। खबरदार। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शेखर। Thank you.
और कोई पेशेंट तो नहीं है? हा? जी नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, अगर कोई बहुत जरूरी काम हो तो मुझे फोन कर लेना सिस्टर। मेरा नाम सपना है। तुमने कुछ कहा? जी नहीं। देखो सपना, ये एक नर्सिंग होम है जहाँ पर तुम सिर्फ एक नर्स हो और मैं एक डॉक्टर हूँ, समझ गई ना? हाँ, गुड गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड। मैं तो समझ गई, काश तुम भी समझ सकते। Good afternoon, doctor. Good afternoon. Namaste, doctor sir. कमरा? कमरा ऊपर तो मैटरनिटी वार्ड है। हाँ, वो साफ नहीं किया। क्या साफ नहीं किया? कमरा? बॉय बॉय पर बॉय बॉय यस सर, टिक टिक बॉय का दूसरा रख लिया क्या? ओ तुम ही हो? मैं हूँ, थैंक यू सर। मेरा कमरा क्यों नहीं साफ किया? साफ किया है साहब। झूठ बोलो। माँ कसम साहब, चलकर देख लीजिए साफ किया है। दिखाओ। देखिए, आइए आइए, सफाई ऐसी की है कि बिल्कुल आईने की तरह। अपना मुंह देख लीजिए सर, टिक टिक। ये टेबल देखिए, सूरज की तरह चमक रही है, चक चक, एक धुंधला नहीं मिलेगा सर। ये देखिए, ये देखिए, लैम्प का कंटोप ऐसा सफेद हो गया है जैसे बगले के पर, बस उड़ने की देर है सर। ये देखिए कुर्सी की पीठ, इसका चमड़ा ऐसा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कौड़े की कमर के ऊपर जीन रखी हुई हो, बस दौड़ने की देर है। जपाक 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 जपाक, टिक 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 टिक, हो गई, टिक 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 टिक। इसकी किताब है? फाड़ली सर, फाड़ली। पागल हो गए? ये कोई फाड़ने की चीज है? 2.5 रुपए की मिलती है साले। कौन सा नंबर लगाया? कौन सा नंबर लगाया? पहले कभी लगाया था, 3 2 5 8। गधे हो तुम, गधा। टट्टुओं पर पैसे बर्बाद करते हो, घड़े लगा घड़े। हम तुम्हें बताते हैं, जैकपॉट जाके लगा दो। 3 13 9 18 पाओ 12। अरे सर, जैकपॉट की रेस का टिक आप दे रहे हैं, 3 13 9 18 पाओ 12। हो जा 9 2 11। अरे वो मारा टिक टिक, 3 13 9 18 पाओ 12 3 13 9 18 पाओ 12 3 13 9 18। अंधा है क्या तू? अरे अंधा? अरे अब तो चालू अपना धंधा हो गया, जैकपॉट लग गया। क्या बोलता है मैन? डॉक्टर ने सुन लिया तो निकालेगा? निकाल देगा। अरे ये नंबर भी उसी ने निकाला है, अब वो डॉक्टर कहाँ, टिपस्टर हो गया है। अब मैं लखपति बन जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा पति बन जाऊंगा। जूली शट अप। अरे अब तो अप ही अप है। थैंक यू डॉक्टर शेखर फॉर दी टिप। जप जपक 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 जपक। डॉक्टर शेखर और जैकपॉट, ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इट्स इम्पॉसिबल।
हेलो हेलो राजा 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 आदावर से डॉक्टर साहब पिछले चंद दिनों से बड़ी नाजेबा शिकायतें होने लगी हैं डॉक्टर साहब। नाजेबा? जी हाँ, चक्कर आते हैं तो आते ही चले जाते हैं। अच्छा जी, घबराता है तो घबराता ही चला जाता है। ओह, तबीयत गिरी गिरी सी महसूस होती है। अच्छा, बदन टूटा जाता है। आप मेरा मुआयना करेंगे? जी क्या करेंगे? मेरा मतलब है चेकअप। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? समझ गया। क्या समझ गए? कहीं आपका मतलब वो तो नहीं कि मैं उम्मीद से हूँ? हाँ, आप उम्मीद से हैं, आपकी सब उम्मीदें पूरी होंगी। अल्लाह, डॉक्टर साहब आपके मुंह में घी शक्कर। कौन सा महीना है? दूसरा, तीसरा। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आठ साल के बाद नवाब साहब सुनेंगे तो कितने कितने खुश हो जाएंगे। अल्लाह। डॉक्टर साहब एक काम और कर दीजिए। क्या? कुछ लिख दीजिए। कुछ लिख दूं? जी। क्या लिख दूं? कोई ऐसी दवा जो बात बनाए रखे। अल्लाह आपको और तरक्की दे। माफ कीजिए, आपकी फीस 40 रुपीज। इस खुशी के मौके 100 ही रख लीजिए। खुदा हाफिज। ये पैसे भी दे दीजिए। आई विल डिपॉजिट इन द बैंक। ये पैसे बैंक के लिए नहीं है, ये दवाई के लिए है। बाय द वे ये कितने हैं? 7000। ये भी दे दो, मैं रख लेता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। क्यों? हमारी मर्जी पसंद नहीं आपको? नहीं समझी? नहीं समझी? अब समझी कि नहीं समझी? मैं तो समझ ही चुकी थी, लेकिन तुम अब समझे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो आप ही के लिए आया हूँ। वक्त पर ना आया होता आप तो निकल लिए थे। निकल लिए थे? मतलब मैं समझा नहीं, क्या तकलीफ है आपको? खांसी भी है, दमा भी है,
और सर के एक हिस्से में थोड़ी थोड़ी दर्द भी है। हाँ तो एक काम कीजिए, चंदन की लकड़ी लीजिए, उसे घिसिए और घिसकर माथे के दोनों किनारों पर लगा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कमाल है, आप कैसे अंग्रेजी एमडी डॉक्टर हैं जो देसी दवा बोल रहे हैं। मुझे कोई गोली दीजिए, गोली। गोली? हाँ। आप एक काम कीजिए, अंदर जाइए और मेरे असिस्टेंट से कहिए वो आपको गोली दे देगा। अच्छी बात, लेकिन सुनिए मेरी फीस तो देते जाइए। फीस? अच्छा, 40 रुपये। 40? ये 40। जाइए जाइए। अच्छी बात। बैक। मेरी भी 10। मैं भी गया। मेरी 20 की चाल। 40 40 ये रहे चाल। अबे मेरी 50 की। 100 100। मैं भी आया। मैं 150। अरे 100 150 में बात नहीं बनती, पूरे 1000। 1000? तो मैं पैक। क्या बात है राजा, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी फंस गई है क्या? अभी तो सिर्फ चाल फंसी है गुरु, तुम चल रहे हो या भाग रहे हो? अरे दिल तो मेरा धड़क रहा है मगर मैं शो जरूर करवाऊंगा। चलो मेरे भी 1000। शो बादशाह पे बादशाह। ए नो एंट्री पे मत जाओ गुरु, 2-1 के हैं। माल तब इधर। मैंने तो कलर पैक कर दिया, ये देखो। साला इडियट है। एक 500 रुपये उधार देना। दे तो दूंगा पर वापस करेगा? इस बार जरूर वापस करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? 100 पे 30 रुपए सूद होगा। मेरी भी एक शर्त है। बोल। तो अपना नाम सूरी से बदल कर सुअर रख ले। चल निकाला, चल यार। उधार मांगता है गाली भी देता है। चलेगा अच्छा। 8। हेलो हेलो सेठ मथुरा दास जी। हाँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? ब्लैकबर्ड। ब्लैकबर्ड? क्या काम है? अगली शुक्रवार 20 तारीख रात 12 बजे सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाइएगा। क्यों? मुझे क्या तकलीफ है और आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ में तुम्हारा बेटा आ जाएगा सेठ जी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर शेखर जिंदा रहे तो हमारी बताई हुई जगह पर 4 लाख हमारे उस आदमी के हवाले कीजिए जिसके दाहिने हाथ के दस्ताने पर ब्लैकबर्ड का निशान होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया मथुरा दास तो तुम्हारे बेटे की लाश तुम तक पहुंचा दी जाएगी। हेलो 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 चीफ। यस जिमी। मैंने फोन कर दिया, शुक्रवार की शाम तक 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। वेल डन जिमी। और सारी बातें भी उसे अच्छी तरह समझा दी है ना कि ये ऑर्डर ब्लैकबर्ड का है। ब्लैकबर्ड? जी हाँ, ब्लैकबर्ड ने मुझे धमकी दी है कि अगर 4 लाख रुपए मैंने उस तक नहीं पहुंचाए तो मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये कोई नया गिरोह है जो इस शहर में अपनी सरगर्मी दिखा रहा है। खैर आप बेफिक्र होकर घर जाइए और आइंदा ब्लैकबर्ड का कोई भी फोन आए हमें फौरन इत्तला कीजिए। हेलो। घर पहुंच गए सेठ मथुरा दास, मुबारक हो। कौन? ब्लैकबर्ड? हमारी वार्निंग के बावजूद तुमने पुलिस स्टेशन में जाकर खबर कर दी। पुलिस स्टेशन के बाहर हमने अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना तुमको दिखाया। हम चाहते तो तुम्हारी जान भी ले सकते थे लेकिन ब्लैकबर्ड इतना बेवकूफ नहीं है। सुनो, अब ब्लैकबर्ड की अदालत तुम पर 1 लाख रुपया जुर्माना आयत करती है, यानी अब तुम्हारे बेटे के जान की कीमत 4 लाख नहीं 5 लाख रुपया होगी। गुड बाय सेठ मथुरा दास। मैं कुछ मदद करूं? नोटों पर नहीं, फोटो पर। क्या कर रही हो? नमस्ते डॉक्टर साहब। बहुत तेज बुखार था उसे।
इसको भी बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब। अच्छा बच्चे को? जी हाँ? ओ, ओ, हाँ। जीके, 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 बेटिया रानी। हेलो बेटिया। हेलो है बेटा राजा। क्या नाम है बेटा, नाम बताओ जल्दी से। बहुत गर्म है। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, लगता है इसके ऑयल टैंक में लीकेज है और कुछ नहीं। क्या है? अजी बच्चों में एक बीमारी होती है, ठीक हो जाएगी, मैं आपको दवा लिख देता हूँ। नहीं नहीं, दवाई नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चों को इंजेक्शन दे दीजिए ना। जी इंजेक्शन दे दीजिए डॉक्टर साहब। दरअसल बात यह है कि मेरी उंगली अखड़ गई है इसलिए इंजेक्शन। डॉक्टर कपूर। यस डॉक्टर। डॉक्टर कपूर बच्चे को थोड़ा सा बुखार है, अच्छा सा कोई इंजेक्शन दे दीजिए। हाँ वो मेरी उंगली अकड़ गई है ना। माय लेट इट बी, लेट इट बी। डॉक्टर कपूर लेट इट बी, लेट इट बी। बच्चे का इलाज ज्यादा जरूरी है। यस यस यस, बच्चे का इलाज। आई लुक आफ्टर द फिंगर लेटर ऑन। आ जाइए जाइए, आइए मेरे से। मेरी फीस 40 रुपीस। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। तस्वीर जारी गुड मॉर्निंग डॉक्टर। खांसी बुखार है तो इधर, इंजेक्शन लगाना है तो उधर। हाँ Sit down. दर्द है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? ठहरिए जरा, मैं नर्स को बुलाता हूँ। नर्स की क्या जरूरत है? मेरा इलाज नर्स नहीं कर सकती है, सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। इसकी क्या जरूरत है? हाथ से देखिए। वो क्या है कि दरअसल मेरी उंगली जो है बहुत दर्द कर रही है। ओ? क्या नाम है तुम्हारा? बसंती। टांगे वाली। कैसा है? बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल बसंत बहार की तरह है। एग्जामिन नहीं करेंगे? हा? या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, फॉलो मी, कम ऑन, कम कम। शुरू कीजिए। क्या इलाज? हाँ याद दर्द होता है। यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, तो फिर कहाँ दर्द होता है? यहाँ। क्या बताऊं डॉक्टर, आजकल कुछ खाने को जी नहीं चाहता है, और ये दिल है ना, इतना जोर से धड़कने लगता है कि डर लगता है कि कहीं ये सुकड़ कर तुम्हारे कोट का बटन ना बन जाए। कुछ करो ना प्लीज। देखो बसंती, जब तक तुम मुझे ठीक से नहीं बताओगी कि तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है, मैं इलाज कैसे करूँगा? वाह 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 वाह, क्या चालाक हो, पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तक तो मैं सोच रही थी कि तुम सिर्फ डॉक्टर हो, आज पता चला कि तुम ग्रेट एक्टर भी हो। तुमने करे नाटी गर्ल। अरे शुक्र है तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट तो आई शेखर। अरे आज के बाद तुम मुझे हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए पाओगी बसंती। बसंती? ये बसंती बसंती क्या लगा रखा है, मेरा नाम तो लो। तुम्हारा नाम क्या बसंती?
फिर से एक्टिंग शुरू। देखो आज तक तो तुम मेरे साथ बेरुखे से पेश आते रहे, अब तो प्यार से नाम दो। अरे तुम जिस अंदाज से कहोगे बस अंदाज से तुम्हारा नाम लूंगा। अंदाज का फैसला तुम ही करो। तो एक एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ प्यार से तुम्हारा नाम लेते हैं। ओके ओके ओके। लता आज तुम बड़े अच्छे मूड में हो शेखर। वो डैडी वाली बात पूछो। हाँ पूछो पूछो ऑफ कोर्स। डैडी कह रहे थे आज तुम शादी का फैसला करके आना। शादी का? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, क्या फैसले की बात है, जाके तैयारी करो, कमान गो गो। वाह ओ शेखर यू आर ग्रेट, आई लव यू। हाँ मैं अभी जाकर डैडी को खुशखबरी देती हूँ। माय फीस 40 रुपीज। डैडी, ओ डैडी, ओ डैडी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी वेरी हैप्पी। मुझे मोटर के पंखे की तरह क्यों घुमा रही है मेरी बेबी ऑस्टिन, ये तो बता तू आज इतनी खुश क्यों है, है? आज मैंने उस शेवले इंपालो को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। शेखर शादी के लिए मान गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी गाड़ी टर्न मारकर हाईवे पे पहुंच गई है। अब तो मुझे आरटीओ से मिलना पड़ेगा, कहीं वो तुम्हारी गाड़ी को चेक पोस्ट पे ना रोक ले। अरे आरटीओ क्या, आरटीओ का बाप भी अपनी गाड़ी को नहीं रोक सकता। और अगर आरटीओ शेखर का बाप हो तो? ओ आप मेरे होने वाले फादर इन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ मेरी बेबी ऑस्टिन, इससे पहले तुम्हारा फादर इन लॉ कोई नया लॉ बना ले मैं उसे रिश्ते के लॉ में बंद कर दूंगा। अंडर ये क्या बदतमीजी? अभी तो सिर्फ बदतमीजी है, अंदर जाओगे तो बदनसीबी से सामना हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं कहता हूँ उल्टे पांव बाहर हो जाओ। ये मेरा घर नहीं है। घर तो आपका है लेकिन घरवाली आपको पसंद नहीं आने वाली। घरवाली? हाँ अंदर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है। हाँ। आपकी शादी की डेट फिक्स करने के लिए वो आई है। वो आई है? हाँ। कौन आई है? लता। ओह नो। ओह यस। माइकल माइकल कुछ भी करो, प्लीज प्लीज कुछ करो। तुम तो जानते हो अगर डैडी ने वो फंदा मेरे गले में डाल दिया तो मैं दब उठ जाएगा। तुम तो जानते हो ना कि मैं बचपन से जानता हूँ। लता के तौर तरीके तुमको पसंद आने वाले ही नहीं, तुमको शहर की तितली नहीं गांव की कली पसंद आएगी। तो मैं क्या करूं? इससे पहले के फंदा तुम्हारे गले में आए अभी तो हाथ में है, तुम यहाँ से निकल लो। ओ डार्लिंग तुम कब आए? आए कहाँ, ये तो जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं शेखर, तुम्हें मालूम है वहाँ हमारे डैडी और तुम्हारे डैडी क्या बात कर रहे हैं? मैं जानकर भी क्या करूंगा, मैंने तो माइकल को बोला था। माइकल बहुत खराब है, जाओ। केस बहुत खराब है। ये केस ज्यादा सीरियस है डॉक्टर साहब। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ जिंदगी खत्म भी हो सकती है लेकिन यहाँ 100% जिंदगी शुरू हो रही है। चलो ऑपरेशन थिएटर में। हाँ चलो चलो। अरे चलो भी। माइकल ओफो हियर कम्स द हीरो। हेलो मैच मैच। अरे चलते हो किधर, एंट्री हुई नहीं कि यू टर्न। अरे जिंदगी के सफर में शादी की गाड़ी सीधी चलनी चाहिए बच्चे, अगर अनाड़ियों की तरह स्टेयरिंग उल्टा सीधा घुमा दिया तो एक्सीडेंट हो जाता है। एम आई राइट माय लव? यू आर राइट सर डेलप। हम जानते हैं कि हमारी बेबी ऑस्टिन एलबोर्ड लगाकर तुमको फॉलो कर रही थी लेकिन जब तुम्हारे डैडी ने इसको पक्का लाइसेंस दे दिया तो फिर ये घबराहट कैसी क्यों मिस्टर आरटीओ? यू आर राइट, इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा? शर्मा तो काय को है, लता ने हमको सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया लेकिन क्या बता दिया? वही सब कुछ जो तुमने मुझसे कल कहा था। मैंने क्या कहा था तुमसे कल? ओहो यही तो बुरी आदत है, जो आज कहते हैं तो कल भूल जाते हैं। पर कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, जो तुम कहोगे मैं याद रखूंगी।
आखिर जिंदगी के सफर में हम दोनों साथी बनने वाले हैं ना? लेकिन डैडी, लेकिन वेकिन के ऐसी की तैसी। जब इस आदमी ने लाइन क्लियर कर दिया है तो टाइम क्यों वेस्ट करते हो? नारियल तोड़ो, गाड़ी स्टार्ट करो। ऑर्डर इज ऑर्डर। यस डैडी। ऐसा करो बेटे, लता को किसी अच्छे से ज्वेलर के पास ले जाओ और वहाँ कोई अंगूठी या नेकलेस जो भी हमारी बहू को पसंद हो हमारी तरफ से बतौर शगुन दे दो। गुड। ओ डैडी प्लीज, अब जेकब प्लीज, कम ऑन लेट्स गो लव कम। लेकिन अच्छा है, कितने का है? ये 22 कैरेट का है, 20 के ऊपर दो। ओहो, कीमत क्या है इसकी? अजी कीमत सामान की नहीं पसंद की होती है। आप पहले पसंद तो कीजिए। ये देख लीजिए, मैंने ललितपुर की महारानी के लिए स्पेशल बनवाया है। बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसे चाहिए। क्या प्राइस है इसकी? बस सिर्फ 18,000 रुपए। व्हाट, 18,000? अरे तुम तो ऐसे चौंके जैसे 18 लाख का हो। निकालो ना पैसे शेखर। हाँ हाँ लता, क्यों नहीं। अरे जी मैम साहब, डिलीवरी के टाइम पर दीजिए, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। सर आपको नहीं, मुझे तो है। ये बहुत मुड़ी है, ये डिलीवरी तक तो दुखा भी भूल जाएंगे। अच्छा चलो ना शेखर, निकालो ना पैसे। कम ऑन। कब तक ये? यही अगली बुधवार को ले जाइए। हाँ चलो लेट्स गो लेट्स गो। सुनिए, इसके साथ डायमंड की एक रिंग भी बना देना। जरूर। अच्छा बनाना, एकदम अच्छा। एकदम फर्स्ट क्लास। अरे डॉक्टर साहब, हार अभी तक तैयार नहीं हुआ। तुम अभी की बात करते हो? मैं तो ये समझता हूं ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना? हाँ सपना, उन हजारों लाखों लोगों का जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इस देश के वासी हैं, जिनके सर पर न छत है, न तन पर कपड़ा है, न पेट में रोटी है, जो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। वहां ये औरतें ये भी नहीं समझ सकती कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। हजारों लाखों का जेवर खरीद कर अपनी झूठी शान और मर्यादा बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। बोलो ये कोई इंसाफ है? नहीं। ये कोई शराफत है? नहीं। ये कोई इंसानियत है? नहीं। मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? जी आपने मुझे 18,000 रुपए दिए थे। उसमें से फौरन मुझे 10,000 रुपए दे दो ताकि उनमें से दवाइयां खरीद कर गरीबों में जल्दी से जल्दी बांट सकूं। एक मिनट, मैं जरा पापा को बुला लाता हूँ। अरे तुम इस नेक काम में अपने पापा को बीच में क्यों घसीटते हो? ना तो मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास घड़ी है, ना ही मैं अपना वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ। एक एक पल मैं अपने देश की सेवा में गुजारना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पापा प्राचीन विचार के हैं, वो इस नई क्रांति को कभी नहीं समझ सकते। इस क्रांति की चिराग को सिर्फ तुम्हें जलाना होगा। इतिहास में सुनहरे लफ्जों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम आएगा। इसलिए तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। डॉक्टर साहब, इस पर दस्तखत कीजिए, सिग्नेचर कीजिए इस पर। और ये लीजिए साहब। साहब नहीं, दोस्त, साथी, क्रांतिकारी, जिंदाबाद। जिंदाबाद। टिक टिक। लग गया ना जैकपॉट, मगर जैकपॉट ऐसे ही नहीं लग जाता। बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े बड़े मरीजों को गोली देनी पड़ती है, तब जाकर जैकपॉट का टिप मिलता है। तुम नोटों का टिप लो, तुम टिप लो, तुम टिक टिक लो, तुम बिस्किट लो। अरे दूल्हा भी है, घोड़ा भी है, बाराती भी है, मगर दुल्हनिया किधर है? जूली, आई लव यू। डॉक्टर आ गया। डॉक्टर आ गया, जल्दी जल्दी आने दो। डॉक्टर शेखर सर, आई वांट द रेस। टिक टिक, कम ऑन माय टिपस्टर शेखर सर, सैल्यूट सर। तुम कौन हो? अरे डॉक्टर नहीं पहचाना? अरे 3, 13, 9, 18, 12। व्हाट सर? जैकपॉट, तुमने टिप दिया, हमने माल लगाया, हमने माल बनाया, यहाँ तक के घोड़ा भी खरीद लिया। क्या है डॉक्टर? टिक टिक। लुक एट दिस फूल। अरे तू मोहब्बत
जिंदाबाद जूली, तू ना भूली। अरे डॉक्टर को तो भूलने की आदत है, कोई बात नहीं, किसी बड़े डॉक्टर से इनका इलाज करवा देंगे। पैसे की फिक्र मत करना, मेरे पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। Get out from here, you're dismissed. अरे डॉक्टर, हम तुमको डिसमिस नहीं करेगा। मिस, यू कम हियर, यू कम हियर। मिस, हम तुमसे होली किस यानी के शादी करके फैमिली बनाएगा, और डॉक्टर हम तुमको अपना फैमिली का फैमिली डॉक्टर बनाएगा, अपने घोड़े की फैमिली का फैमिली डॉक्टर बनाएगा, फिर यहाँ आएगा। मिस, तुम ये चांस मिस मत करो, घोड़े पर सवार नहीं होगी तो फैमिली कैसी बनेगी मेरी यार। घोड़े पे हो जा सवार मेरे प्यार, मेरे दीदार, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल। अबे तू चलता क्यों नहीं है? अबे तेरी भी शादी करवा दूंगा, मगर फैमिली प्लानिंग का ख्याल रखना। हम दो हमारे दो, टिक टिक, हम दो हमारे दो, टिक टिक, हम दो हमारे दो। अरे मशीन भी कोई देखने की चीज है, देखना ही है तो घर जाकर टीवी देख, ताकि मैं भी कुछ माल बना सकूं। आज क्या मर्जी है आपकी? यू पागल हो तुम? आज गो मैड, गेट आउट, प्लीज गेट आउट एट वंस, गेट आउट। यस, इडियट, पागल। पागल ही तो हैं आप जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? क्या मतलब? अगर लूटने का इतना ही शौक है तो डाकू बन जाते, डॉक्टर का पेशा क्यों बदनाम करते हैं? ओहो, लेकिन हुआ क्या है? रोना तो इसी बात का है कि कुछ हुआ ही नहीं, काश कुछ हो जाता, फिर देखते क्या ना होता। ओह, क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास तो उस दिन आपने की थी, कहा था मैं उम्मीद से हूँ, मैं खुशी से पागल हो गई। नवाज साहब तो सुन के खुशी से पागल हो गए, कपड़े फाड़ डाले, हजारों की दावत दे डाली, पुश्तों का जमा खजाना पल भर में लुटा दिया, लेकिन ये डाली सुनी की सुनी रही। आंगन में पड़े झूले पर अब नवाब साहब खुद लेटे अंगूठा चूस रहे हैं। तुम्हारी नामराद डॉक्टर ने मेरा घर उजाड़ दिया, बेहोश मार दिया मुझे। ओहो, क्या मुसीबत है। देखिए मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है, आप किसी गलत जगह आ गई हैं। गलत ही जगह तो आ गई थी, अकल मारी गई थी मेरी कि किसी अच्छे डॉक्टर के बजाय तुमसे नुस्खा लिखवा लिया। नुस्खा? कैसा नुस्खा? हाय हाय बेगैरत, अब बनने भी लगे, नुस्खा भी याद नहीं, ये लो। देखिए मैडम, यकीन मानिए ये मेरी लिखावट नहीं है, दिस इज नॉट माई हैंड राइटिंग। यस, खुदा गारत करे तुम्हारी मक्कारी को, तुम सफेद झूठ बोलते हो। याद रखो, हाय ली है तुमने, अल्लाह करे कहर टूटे, आग लगे, हड़ू फिरे तुम्हारे दवाखाने पर। खुदा हाफिज। क्या मतलब? What are you talking? बाकी के 10,000 रुपए वापस ले गए थे ना उन गरीबों की दवाइयों के लिए। क्या बक रहे हो? भूल गए क्या? उस दिन बड़े क्रांतिकारी बन रहे थे, देशभक्ति की बातें की थी, गरीबों का ख्याल किया था। हा? क्या बात है बेटे? पापा ये। ओ डॉक्टर साहब, आप नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, वो उस दिन मैंने कितने पैसे दिए थे उस हार के लिए? आपने मुझे पूरे 18,000 रुपए दिए थे। हाँ। लेकिन आपका बेटा कहता है उसमें से 10,000 रुपए मैंने वापस ले लिए थे। क्यों बेटे? हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ, अब ये भूल गए तो मैं क्या करूँ? तू हीरा चाट के मर जा, और एक हीरा मुझे भी चटा। पापा मेरी बात तो सुनिए, इन्होंने रसीद भी दी थी। रसीद दी थी? हाँ। तो जाले क्या लाता हूँ, मैं तो तंग आ गया हूँ डॉक्टर साहब, इसकी माँ भी इसी तरह पागल। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आपने जब रसीद दी नहीं तो लाया कहाँ से बेवकूफ? मिल गई, मिल गई। देखो पापा है ना, पैसे पैसे लीजिए आपके, अपनी रसीद में। मेरा बेटा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। ओह गॉड। समझे?
बिल्कुल समझ गया, माइकल के भेजे में जो साइकिल फिट है वो मिस्टेक कर ही नहीं सकती। ये दोनों सही एक ही आदमी की है। लेकिन आखिर ये है कौन? अबे मैं तो नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं लिखा है। मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं मालूम, मैंने नहीं लिखा। अबे तो फिर किसने लिखा है? हेलो डॉक्टर शेखर, मैंने सब तैयारी कर ली है, अब तुम भी तैयार रहना। देखो बोलना नहीं। तैयारी? किस बात की तैयारी? ओ डार्लिंग, इतनी जल्दी भूल गए? आप कौन बोल रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ? अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी दूसरी लड़की के फोन का इंतजार था। गए काम से। कौन गया काम से? कमाल है, कल जब डिस्पेंसरी में मिली थी तो तुम्ही ने तो कहा था कि 4 बजे मरीजों को छुट्टी देकर मेरे साथ घूमने चलोगे। मैंने कहा था? नहीं तो क्या मैंने कहा था? कम ऑन शेखर, बनो मत। मैं ठीक 4 बजे डिस्पेंसरी पहुंच रही हूँ, फिर वही प्रोग्राम बनाएंगे आज की प्यार भरी मंजिल के बारे में। एक ग्लास पानी। पानी से काम नहीं चलेगा, मैं तो शरबत कराता हूँ। हेलो डॉक्टर शेखर से बात कर सकता हूँ? बिगिंग, आप हॉस्पिटल कब तक आएंगे? क्यों, क्या चाहते हैं आप? इलाज चाहता हूँ, बीमारी बहुत भयानक है, वक्त बहुत कम है, 4 बजे तक मेरी गाड़ी छूट जाएगी। 4 बजे? 4 बजे तक आप आ जाएंगे ना? नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद मुझे कहीं बाहर जाना है। हाँ, अगर आपका बाहर जाना इलाज से ज्यादा जरूरी है तो बड़े शौक से जाइए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये लो रूह अफ़ज़ा। नहीं चाहिए, अभी अभी फोन आया था लता का कि मैंने उसे 4 बजे घुमाने के लिए टाइम दिया है, जो कि मैंने नहीं दिया। उसके बाद एक फोन आया कि एक साहब मुझसे मिलना चाहते हैं, वो भी 4 बजे, और मैंने कहा कि मैं नहीं मिल सकता तो कहने लगे, तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हेलो, हैप्पी नर्सिंग होम। यस, कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर शेखर MD। व्हाट? डॉक्टर शेखर MD? बेड नंबर 19 के पेशेंट का टेम्परेचर फिर बढ़ गया है। टेम्परेचर है, ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? जाकर मेरे असिस्टेंट से मिलो, टेम्परेचर का डिपार्टमेंट उसका है। मैं कन्या से मिलने जा रहा हूँ। जी? को। ओह माय गॉड, माय कार्बन कॉपी, बिल्कुल मेरे जैसा। इधर नहीं, उधर। ओ। हाँ,
आज हम कितने करीब हैं शेखर, यकीन नहीं आता कि तुम वही डॉक्टर हो जो कल तक मेरे साये से भी घबराते थे। अरे वो डॉक्टर तो गधा है। वारे मेरे घोड़े, मेरा मतलब है मैं औरों के लिए डॉक्टर हूँ ना, डॉक्टर शेखर एमडी। डॉक्टर शेखर एमडी हाँ। और मेरे लिए सिर्फ शेखर। लाजवाब बेमिसाल मेरा शेखर। ओ बाप रे, लगे रे बेटा लगे रे। I'm
डॉक्टर शेखर M.A.D. मैड निकल। क्या करो, खोलता नहीं है। तोड़ दे दरवाजा। तोड़ डालो। तोड़ दे। एक दो बार और पूछ लेता हूं। अरे राजा, लगता है सोया है। ए राजा। ओए, ये राजा राजा क्या लगा रखा है? ये कोई बुलाने का तरीका है? बात क्या है? राजा हमें 500 रुपए का फटका देकर भाग गया है। कर्जा कहकर लिया था और चंदा समझ कर खा गया। कर्जा? कैसा कर्जा? कब दिया था? ज्यादा नाटक मत करो, शराफत से उसे बाहर निकाल दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। भगौड़ा घर छोड़कर भागेगा कहाँ? अरे बैटरी 2 महीना पहले मुझसे 200 रुपए लिए थे। 4 महीने पहले मुझसे 400 रुपए लिए थे। 420 साला। अरे 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 सूरी, अरे सूरी, अरे सूरी, अरे गिरधारी, मैंने राजा को अपनी आंखों से अंदर जाते हुए देखा है। ओए लड़के पट्टे, अपने चश्मे का नंबर बदल, ये कितने हैं? 4, 3, 2, 1। ये झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से भी राजा को अंदर जाते हुए देखा है। धारी, राजा की बहुत तरफदारी कर रही है। लगता है राजा की रानी है, क्यों? अपनी जबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी बत्ती से निकाल कर हाथ में दे दूंगी, समझे? अरे देवी जी, आप तो खामखा नाराज हो रही है। बात दरअसल ये है कि राजा की 10,000 रुपयों की लॉटरी लगी है। हमने सोचा उसे 10,000 मिलेगा तो हमें 2-400 मिल जाएगा। वो जब घर पे ही नहीं है तो छोड़ो बात, चलते हैं, फिर मिल लेंगे। क्या कहा? मेरी 10,000 की लॉटरी लग गई? अरे हाँ राजा, मुबारक हो। तुम तो सचमुच का राजा बन गए। फूल की बातें मत करो राजा, बाकी बातें रास्ते में समझा देंगे। राजा आइए, ओ राजा, पैसे लेते सीधे घर आना, ऐसा ना हो आधे रास्ते से ही। अरे भाई, हमारा राजा है, इसे कंधे पे उठा लो। तो लॉटरी का इनाम चाहिए? क्या बनेगा? राजा बनेगा? लॉटरी चाहिए? दे दो लॉटरी। किधर गया? किधर गया? इधर क्या? चलो वाह बेटे, मुर्गी की तरह घास में छुपकर ये समझे थे बच जाओगे? हाँ छोड़ो, I'm Dr. Shekhar M.D. यारों से नाटक, साला डॉक्टर है ये। डॉक्टर M.D. महादौर के पास। हीरो सर, I'm a doctor। अरे फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर। भीमी। भीमी। साला। अरे इसको इतना मार रहे? अरे मेरा चश्मा। उठ जाओ। तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे यारों का मजा आने दे।
कर ली मार पिटाई, पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ, लेकिन इन लोगों में कुछ मान मर्यादा नहीं है, 500 रुपए के लिए खून खराबा करने को रेडी हो जाते हैं। हाँ, आपने मेरी काफी मदद की, यही कहीं रहती है स्टेशन में। बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, लगता है मार तेरे थोबड़े पे नहीं तेरे भेजे में लगी है। जी जी हाँ, राजा तुझे शर्म नहीं आती इतने लोगों के सामने? तू, आपको गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम राजा नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर शेखर एमडी है। अच्छा जी, नमस्ते, चलिए। कहाँ? चलो। आइए डॉक्टर साहब पधारिए। आप यहाँ रहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल यहीं रहती हूँ, बैठिए ना। आउच। एक मिनट। आउच। ओफ, ओफ। ये क्या क्या है? चूना। चूना? हाँ। अरे इससे पॉइजन हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है। आपके घर में टिंचर आइडन यूडिकोलोन कुछ नहीं है? बस फिकर राजा, मैं हार गई। देखो मैडम, अगर एक लफ्ज भी आगे बोला ना, हाँ? तो तेरी कसम मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजा, कब तक ये नाटक करता रहेगा? कभी मोटर मैकेनिक, कभी जुआरी, कभी डॉक्टर। राजा, इंसान बनकर तो देख, मौसी के सारे दुख दूर हो जाएंगे, और मैं, मेरी छोड़, मौसी के लिए मान जा। बोल राजा, इंसान बनेगा? बनेगा ना? चूना कहाँ जा रहा है? अपने घर। अपने घर जाएगा तो फिर वो लोग तुझे पीट देंगे। चल यहीं सो जा। हा? सो जा ना। कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे ये चूना किसने लगा दिया आपको? चूना? हाँ लगा दिया किसी ने। टेडी सो गए क्या? आपका इंतजार करते करते सो गए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ थे? नहीं पूछे तो अच्छा है। क्या चक्कर क्या है? माइकल बैठो, आज मैंने अपना ही भूत इंसान की शक्ल में देखा है। भूत? ओ जीसस। बिल्कुल मेरा डुप्लीकेट, मेरी आवाज, मेरा ही चेहरा, और मेरी डिस्पेंसरी में बैठकर मेरा नाम लेकर मौज उड़ा रहा। इंटरेस्टिंग। माइकल सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरी कुर्सी पर भी कब्जा कर रखा है, और वो अपनी लता है ना, उसे भी मेरी सूरत का चकमा देकर अपने जाल में फंसा रखा है, बदमाश। ओ गॉड, फिर तो वो मरीजों को ऐसी दवा दे रहा होगा जिससे मरीज अच्छा होने के बजाय डबल बीमार हो जाए, और अगर ऐसा हो रहा है फिर तो अपनी डिस्पेंसरी का गॉड ही मालिक है। कुछ भी हो लेकिन मुझे उससे हमदर्दी है। He's a lucky fellow. Lucky fellow? क्यों भाई? कभी कभी अनजान रास्ते पर चलकर ही जिंदगी को एक नया मोड़ भी तो मिल जाता है। सच कहता हूँ माइकल, मैंने जिंदगी के नए मोड़ पर पहुंचकर अगर कुछ खोया है तो कुछ पाए भी है। इस बात से माइकल के भेजे की साइकिल चली नहीं, अपनी कुछ समझ में नहीं आया। ओहो माइकल, अपना वो है ना राजा। कौन राजा? अरे मेरा डुप्लीकेट। हाँ हाँ। उसके घर के बगल में एक खूबसूरत अल्लड़ गांव की लड़की का घर भी है, और आज जब मैं राजा का पीछा करते करते जब उसके घर पहुंचा तो मेरी मुलाकात उससे हुई। मैं समझ गया, ये चूना उसी ने लगाया है, लेकिन हेलो कौन है? ब्लैकबर्ड। क्या तकलीफ है आपको? सेठ मथुरादास, हम तुम्हें ये आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुमने हमें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो हमें तुम और तुम्हारे बेटे दोनों की चिताएं एक साथ जलानी पड़ेंगी, समझे? हेलो हेलो, क्या बात है, किसका फोन था? माइकल, ब्लैकबर्ड वार्निंग दे रहा था डैडी को, अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो हम दोनों को मार डालेगा। ब्लैकबर्ड? याद आया, एक बार बड़े सरकार ने भी मुझसे ब्लैकबर्ड का जिक्र किया था। तुमसे? हाँ।
माइकल के भेजे की साइकिल चल पड़ी है। आइडिया आ गया है और वो भी 5 लाख रुपए का। टेलीफोन के आते ही माइकल के भेजे की साइकिल चल पड़ी है। हाँ, वो आपका डुप्लीकेट राजा बिल्कुल आपकी तरह है ना, तो फिर उसको किसी बहाने से लाकर इस घर में रख देंगे। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। और जब ब्लैक बट का फोन आएगा पैसे के लिए तो हम इनकार कर देंगे और वो लोग इसको उठाकर ले जाएंगे, आप समझ के। आइडिया टिट फॉर टैट। लेकिन माइकल, उस वक्त तक मैं क्या करूंगा? जो आपका डुप्लीकेट कर रहा है, आप वहां पहुंचकर उसके बगल वाली लड़की जिसने आपके गाल पे चूना लगाया था, आप वहां जम जाइए। राजा 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 राजा। अरे वाह, आइडिया देते ही पहुंच गए। माइकल, तुम्हारे आइडिया में दम है। हाँ, यू आर अ नाइस मैन। माइकल के भेजे की साइकिल चलती है तो बड़ी जोरदार चलती है। आप यहाँ? क्या मतलब? आप तो वहां है ना डिस्पेंसरी में। ओह, तो कबूतर पहले से ही पहुंच गया। इस कंबल का कोई टाइम वाइम होता है कि नहीं? आपके आराम का टाइम, उसकी ड्यूटी और माल बनाने का टाइम। आप डिस्पेंसरी से गायब और वो कबूतर वहां हाजिर हो जाता है और जो भी माल मरीजों से मिले समेट कर 9-2-11 हो जाता है। माल किसी का और मौज किसी की। लगता है इस कबूतर के 12 बजाने ही पड़ेंगे। उसका भी इंतजाम अपने पास है। आपके कहने के मुताबिक टिकट ले आया। अब देखो, इस टिकट से मैं उस कबूतर का कैसे 12 बजाता हूं। चलो। हेलो, डॉक्टर शेखर एमडी स्पीकिंग। हेलो, हेलो सर, आपका सेवक सर। हेलो, अशोका ट्रेवल एजेंसी का मैनेजर सर। आपके हुक्म के मुताबिक आपका बंदोबस्त कर दिया है सर। मेरा बंदोबस्त? क्या बक रहे हैं आप? आपका नहीं, आपके सफर का बंदोबस्त सर। आप 3 महीने के लिए कश्मीर जाना मांगता था ना, आपका हाउस बोट बुक, टिकट बुक, बोगी बुक, ट्रेन बुक, आप बुक। मैं बुक? अरे होटल में सर। अच्छा अच्छा, ये बात है, फिर ठीक है। हमारा आदमी के हाथ आपका टिकट आपके घर भिजवा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा ना मैदान, वो कहते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गदा पर। ओफो, कहावत भी याद आई तो उल्टी। खैर जाने दो, अब ये गधा 3 महीने तक कश्मीर में बैठकर घास चरेगा और राजा मखमली गदेलों पर लेटकर आराम करेगा, चैन करेगा, विश्राम करेगा। हा, ये हुई ना। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, ये गधा घास चरेगा। और ये राजा राज करेगा। अब बात समझ में आई ना, फर्स्ट क्लास। ये गड़बड़ है राजा, ये राजा, ये गधा कश्मीर में 3 महीने तक घास कैसे चढ़ेगा जब उसे पता ही नहीं है कि कश्मीर जाना है। आइडिया। हेलो, हेलो, डॉक्टर शेखर घर में है जी? यस, व्हाट डू यू वांट? नमस्ते, मैं आपका सेवक बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, अशोका ट्रेवल एजेंसी का मैनेजर सर, आपको बंदोबस्त कर दिया है सर। मेरा बंदोबस्त? आपका नहीं, आपके सफर का बंदोबस्त सर। आप 3 महीने के लिए कश्मीर जाना चाहते थे ना। हाँ, आपका वो हाउ, मेरा मतलब हाउ, हाउस बोट, हाउस बोट,
हाउस बोट, हाउस बोट बुक, ट्रेन बुक, टिकट बुक, बोगी बुक, आप बुक, सब बुक। टिकट अपने आदमी के हाथ मेरे घर भेज रहे हो ना? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे बोलना चाहिए कबूतर, दूंगा तुझे। बहुत माल बनाया है बेटा ने, अब ये गधा खाएगा बहुत खास। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर कपूर, प्लीज टेक योर सीट। आपने मुझे याद किया? हाँ, वो दरअसल मैं 3 महीने के लिए कश्मीर जा रहा हूँ। व्हाट? आराम के लिए। लेकिन ये अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? डॉक्टर दरअसल बात यह है, काम ज्यादा होने की वजह से मेरा दिमाग परेशान हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, गेटिंग नर्वस डे बाय डे। तो ऐसी दिमागी हालत में मरीजों का इलाज करना या ऑपरेशन करना कैन बी डेंजरस, यू नो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए इस माहौल से दूर चला जाऊं तो बेहतर है। आप कुछ भूल रहे हैं? ओह, ऑपरेशन, यस यस यस। डॉक्टर, अगर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, प्लीज बी सीटेड। या मैं कश्मीर से जल्दी वापस आ गया, और अगर मैं डिस्पेंसरी में आना शुरू भी कर दिया तो आप मुझे ऑपरेशन नहीं करने देंगे। बट व्हाई डॉक्टर? मैंने आपसे कहा था ना, मेरा दिमाग बहुत परेशान रहता है। डोंट बी फेड अप, यू नो। कल से ऑपरेशन आप ही करेंगे। ओके ओके, लेकिन आप कश्मीर कब जा रहे हैं? आज शाम को। ओके डॉक्टर, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर, ऑपरेशन आप ही करेंगे? हाँ, डोंट वरी एट ऑल माइकल, प्लान एकदम फिट। एकदम फिट। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं छुपा होगा। अरे छुपा क्या, ताक में होगा कि आप झट से जाएं और वो पट से आए। अगर वो नहीं आए तो? ऐसा हो सकता है कि भूखा कबूतर और दाने पे ना आए। अरे आप वापस आके गए नहीं? ना जाने क्यों मुझे कश्मीर के नाम से ठंडा बुखार सा चढ़ जाता है, और आजकल सर्दी है ना, शायद इसलिए। और फिर मैं एक डॉक्टर हूँ, उन हजारों पेशेंट्स को छोड़कर मैं इस तरह की अय्याशी नहीं कर अच्छा सकता। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मेरी तो मुसीबत हो जाती। अरे आपका बैग? बैग? ओहो, प्लेटफार्म पर रह गया होगा। हाँ हाँ, प्लेटफार्म पर रह गया, मैं भी लेकर आता हूँ। आप आ गए, यही बहुत है, बैठिए। राजा 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 राजा, आइए आइए छोटे सरकार, घबराइए मत, आइए। अरे घबराता कौन है, घबराने की क्या बात है, और वो भी अपने ही घर में। घर तो आपका है ही, लेकिन क्या है कि आपको भूल जाने की आदत है ना, इसलिए। लेकिन मेरे होते हुए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कश्मीर से ज्यादा ठंडा कर दूंगा। पियेंगे ना? पी लेंगे। पियोगे कैसे नहीं, बाप का माल है ना। पहले शरबत पिलाऊंगा, बाद में छठी का दूध पिलाऊंगा बेटे। चलिए राजा। तो कहाँ चला गया था, क्यों चला गया था, बोल ना बोल। राजा बोलता क्यों नहीं? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं शहर की भीड़ में खो गया था, दौलत के पीछे भागता रहा, और ये भी भूल गया कि जिंदगी की सबसे प्यारी दौलत मोहब्बत है, और वो मोहब्बत जो मेरा यहाँ इंतजार कर रही है। सच कह रहे? अब मैं उस मोहब्बत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राजा
चल बॉस तुझे देखकर बहुत खुश होगी, चल चल बॉस देख कौन आया। इस खुशी के मौके पर एक फल भी तो दे जा। ऑफ कोर्स। अरे ये मेरी तो तदीरी चमक गई। बॉसी मैं बोलती थी ना, कुछ भी हो राजा अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूल सकता। बॉसी राजा वापस आ गया। तुझे धोखा हुआ होगा पगली। माँ मैं आ गया हूँ। तू कहाँ चला गया था मेरे लाल? क्यों चला गया था रे? माँ से लूट गया था क्या? नहीं नहीं, तेरा बेटा बदल चुका है माँ। तेरे सामने अब वो राजा नहीं है। मैं तुझे अभी कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा डुप्लीकेट तू, ये नारियल का तेल नहीं है जो इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहा है। पाउडर भी लगा ले, कर ले अपना मुंह सफेद, बहुत जल्दी तेरा मुंह काला होने वाला है बेटा। उठ गए राजा साहब। ये कपड़ों का पोटला कहाँ से ला रहे? ये पोटला नहीं, कपड़े धोकर आ रही हूँ। मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैं तो नहाकर कपड़े भी धो चुकी हूँ और तू अभी तक, लगता है तुमने अभी तक दातुन नहीं किया। दातुन? आ, ये ले। ये क्या? दातुन। हाँ दातुन। हाँ क्या रहा है? रहेगा नहीं क्या? लेकिन बाथरूम कहाँ है? ये बाथरूम क्या लगा रखा है? तो मैं नहाऊंगा कहाँ? चल मेरे साथ चल। चल जा नहा ले। यहाँ? हाँ यहाँ नहाने से तो बीमारी हो सकती है, मलेरिया कॉलरा कुछ भी हो सकता है। तू तो ऐसे ही बात कर रहा है जैसे तू कोई डॉक्टर हो। चल जाके डुबकी लगा ले, बहुत हो गया तेरा नाटक। आइए आइए सर, इधर से आइए। मालूम है मेरा नौकर मुझे रास्ता बता रहा। क्या बोला? नौकर? अबे नौकर तो हमें मालिक ने भी कभी नहीं बोला। कोई बात नहीं बेटा, बोल ले तू भी, हर कुत्ते के दिन है आते। कुछ कहा? कुछ नहीं, चलिए चलिए। ये ब्लड रिपोर्ट मुझे भिजवा दे। ओके सर। डॉक्टर आप कश्मीर नहीं गए? डॉक्टर नहीं होते तो चले जाते, डॉक्टर है ना, मरीजों का ख्याल आ गया, टिकट कैंसिल, क्यों ठीक किया ना? हाँ मरीजों का ख्याल आ गया इसलिए। कोई खास मरीज तो नहीं? नहीं डॉक्टर खास नहीं, एक मामूली सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, वो खुद कर लूंगा। क्यों क्यों क्यों, मैं नहीं कर सकता? लेकिन आपने तो, आई एम डॉक्टर शेखर, मैं क्यों नहीं कर सकता? अब आप तो हमेशा करते ही रहते हैं, इनको भी मौका दीजिए, ये कब सीखेंगे? ठीक है तुम करो, लेकिन अच्छी तरह से करना। थैंक यू डॉक्टर, विद योर ब्लेसिंग। थैंक गॉड ब्लेस यू। एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट माइकल ग्रुप, सिर्फ तुम्हारी वजह से माइकल मैंने डॉक्टर कपूर को ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी।
भाई गॉड एकदम करेक्ट काम किया है आपने। तुम सही कह रहे हो माइकल, इस चीर फाड़ से मैं भी थक गया हूँ, कुछ थोड़ा सा आराम होना चाहिए। कुछ क्यों बेटे, सारी जिंदगी आराम करोगे, लेकिन इस कुर्सी पे नहीं, ब्लैक बर्ड की कॉल कोठरी में। क्या सोच रहे हो माइकल? आपके फ्यूचर के आराम के बारे में सोच रहा था। हेलो हेलो माइकल, शेखर बोल रहा हूँ, शेखर। उस कबूतर का क्या हाल है? ताना चुग रहा है। जंगली है, चुगने दो, लेकिन देखो किसी मरीज को टाय ना कर दे, डॉक्टर कपूर को सब समझा के रखना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यू डोंट वरी, डॉक्टर साहब सब ठीक कर देंगे। कौन है? वो बेड नंबर 15 का सगे वाला है, कंडीशन पूछ रहा है। कह दो सब कुछ फर्स्ट क्लास है। कबूतर कुछ बोल रहा है क्या? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सब फर्स्ट क्लास है। भाई दीदी, आपकी वो चूने वाली कैसी है? वो देसी जड़ी बूटी बहुत नशीली है माइकल, एक नशा एक जरूर सचा गया है। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आओ आओ सपना, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मेरा या दोनों का ही समझ लो। थैंक यू। पैसे आप बैग में नहीं डालेंगे? अपना पैसा अपनी जेब में ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह बेटा, माल किसी का जेब किसी की। उठो मौसी, ये दवा खा लो, वैद्य जी ने कहा इस दवा से बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। क्या खाक अच्छी हो जाओगी? माँ, सड़क छाप दवा से कोई अच्छा होता है? ये दवा खाओ, बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। अब मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं, तू आ गया है ना, मेरी सब बीमारी दूर हो गई। सच बता बेटी, तू मेरा राजा ही है ना? हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हारा राजा बेटा ही हूँ। देखो माँ, ज्यादा सोचा मत करो, ज्यादा सोचने से बीमारी बढ़ जाती है ना रानी? ज्यादा बकबक करने से गला बंद हो जाता है भोपू कहीं का। भोपू? हाँ। तुमने मुझे भोपू का अंदर से चुप, चुप माँ के सामने चुप। नारियल पानी, आइए नारियल पानी पीजिए। ओह, सेहत का दोस्त निकोटिन का दुश्मन, आओ अमृत जल सिगरेट पीने वालों के लिए गंगा जल, आइए नारियल पानी पीजिए। जाओ माओ कोकोनट पाओ पाओ पूरी। अब मजा आ जाएगा। ए बापू, क्या कर रहा है? अरे मैं तो देख रहा था नारियल पानी मीठा है या खट्टा, किराग नाराज हो जाएगा। आह, बेचे राजा और पिए बापू, ला इधर। अरे क्या करी? नारियल सेहत का दोस्त, नारियल निकोटीन का दुश्मन, आइए नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी, नारियल पानी, नारियल पानी। और मत चिल्ला, सारे नारियल तो खत्म हो गए, अब क्या छिलके बेचेगा? ये बोली में दम होना चाहिए तो छिलके भी बेच के दिखा सकते हैं। आइए आइए, छिलके खाइए, छिलके मलाई खाइए, अरे छिलके पानी पीजिए। बस राजा, हम और नारियल खरीद लेते हैं। चल चलो, चल ना। राजा, आ जा।
दूसरे का पलंग है इसलिए जूते पहन कर लेटे हो बेटा, कुछ परवाह नहीं, लेटो, मौत के फरिश्ते अभी आते ही होंगे उठाने के लिए। आपकी तारीफ। अरे 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 कोई है? हाँ है माइकल। अरे भाई आप लोग कौन है? यमराज। यमराज, यमराज होके भी इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मैं बताता हूँ। हाँ आपकी तारीफ। तुम्हारा बाप। मेरा बाप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और हमें खुशी तब होगी जब हम सेठ मथुरादास से तुम्हारी जिंदगी के लिए 5 लाख रुपए लेंगे। वो इतनी सी बात थी इसलिए आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए? अरे पहले बता दिया होता मैं खुद चला आता। मतलब? मतलब ये है पैसे की आपको भी जरूरत है और मुझे भी। आप सेठ से 5 लाख रुपया क्यों मांगते? 10 लाख मांगिए, 5 लाख आपके, 5 लाख मेरे। ओए बरखुरदार, ब्लैकबर्ड से ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, समझे? तो क्यों होशियारी दिखाने लगा? अरे मैं तो कहता हूँ उठाइए फोन, घुमाइए नंबर, दीजिए धमकी और साफ साफ कह दीजिए सेठ रकम देते हो नहीं तो तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। सोच क्या रहे हैं आप? चलिए चलिए, नेक काम में देरी क्यों? अरे आप चल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है, ये काला मुर्गा कहां मर गया? अभी तक अजान नहीं दे रहा है और मुझे नींद आ रही है। बोला। हेलो, सेठ मथुरादास जी बोल रहे हैं? समझ लो बोल रहा हूँ। नमस्ते सेठ जी, मैं ओपनिंग ही गलत है पाप, अगर ऐसे चमचे को रखोगे ना तो आपका बिजनेस चल चुका। अगर किसी से रकम वसूल करनी हो तो इस तरह से बोलते हैं। सुनो सेठ मथुरादास। बोलो। जानते हो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ब्लैक बोर्ड बोल रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड नहीं ब्लैक बर्ड। ब्लैक बोर्ड नहीं ब्लैक बर्ड। देखो आपका बेटा हमारे कब्जे में है, अगर उसकी खैरियत चाहते हो तो 10 लाख रुपया लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाओ। पुलिस स्टेशन नहीं रेलवे स्टेशन। पुलिस स्टेशन नहीं रेलवे स्टेशन, नहीं तो तुम्हारे बेटे की लाश किसी कचरे के डब्बे में होगी। हो रही है ना पांव में घड़घड़ाहट और आवाज में कपकहाट और धड़कनों में धड़कड़ाहट। बहुत अच्छे, क्या टेलीफोन पे टेलीविजन फिट कर रखा है? भाई तुम मेरे बेटे को शौक से मार डालो, उसकी बोटी बोटी बनाकर, बल्कि मैं तो कहता हूँ कीमा बनाओ ना और चील कौवों को खिला दो, और जब ये कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए तो मुझे फोन कर देना ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। है इसका मतलब तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है? तुम कैसे बाप हो? ताज्जुब हो रहा है, तुमको ये पहला बाप टकराया है जिसके सीने में स्टेनलेस स्टील का दिल फिट है। अब तुम्हारा उल्लू यहाँ सीधा नहीं होने वाला, समझे ब्लैक मिलर जी? अब आप जल्दी से ये काम कंप्लीट कर डालो, कहीं तुम्हारा इरादा बदल ना जाए। वो इसलिए कि मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन रहा हूँ और कांपती हुई टांगे भी देख रहा हूँ, वो इसलिए कि यहाँ भी टेलीविजन फिट हो गया है। अच्छा सुनो, अब तुम टेलीफोन करके अपना टेलीफोन का बिल लंबा मत करो, पार्टी को लंबा करो और तुम भी लंबे हो जाओ। बाय। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? बड़ा बेदर्द बाप है, कहता बेटे का कीमा बना दो मैं पैसे नहीं दूंगा। पैसे नहीं देगा?
ये वाकई डॉक्टर शेखर है या कोई और? जिमी, किसे पकड़ आए तुम? नहीं नहीं नहीं, हाँ आपको शक नहीं करना चाहिए। देखिए, इस तरफ बाप ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इस तरफ इस बाप ने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं डॉक्टर शेखर हूँ, MD मास्टर ऑफ डिग्रीज। यस। अच्छा बेटा, तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। ले जाओ, अब भागो। साहब 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 भागो, ऐसे भागो ना पाए। ओ जीसस, प्लान फेल, ये कबूतर तो वापस आ गया। छोटा सरकार, चिल्ला क्यों रहे हो? जानते हो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, मुझे गुंडे पकड़ के ले गए थे और छोड़ दिया, तो फिर पकड़ा क्यों था? पैसे की खातिर। उन्होंने फोन पर डैडी से 5 लाख रुपए मांगे और डैडी साफ इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया। क्या बात हो, तुम्हारा मतलब है कि डैडी को मुझसे ज्यादा अपने पैसे पर नाज है? नहीं, डैडी को सबसे ज्यादा आपकी अकल पे नाज है। उनको मालूम था कि अपना मुर्गा लोमड़ी की पकड़ से बाहर है। तुमको असली बात नहीं मालूम ना? क्या नहीं मालूम? ये कि मैं वो क्या है, वो बदमाश, वो हार नहीं मानेंगे, दोबारा जरूर आएंगे। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? मेरा मतलब है कि आपके अगर वो आपको पकड़ने के लिए आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा और 5 के 10 मांगूंगा। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है कि तुम पागल हो। मैं तो यहाँ बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ, एक बार फंस चुका हूँ दोबारा फंसने वाला नहीं हूँ। मैं तो कल ही यहाँ से जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, 2-4 दिन रुकिए ना। एक पल रुकने वाला नहीं हूँ। मगर जाओगे कहाँ? कहीं भी जाऊँ, दार्जिलिंग जाऊँ, कश्मीर जाऊँ, शिमला जाऊँ, जहाँ मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो वहाँ जाऊँ। मर गए, माइकल की साइकिल फिर पंचर हो गई। ओफो। डॉक्टर, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर कपूर, दरअसल मैं मरीजों का इलाज करते करते खुद एक मरीज हो गया हूँ। बहुत थक गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 महीने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाकर आराम करूं और मेरी गैर हाजिरी में मेरा ये नर्सिंग होम और मेरे ये मरीज मैं आपके हवाले किए जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपना बोझ आप पर डाल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, मैं आपको लिखता रहूँगा, आप मुझे रुपया वहाँ भिजवाते रहिएगा। माइकल, ऑल द बेस्ट डॉक्टर। नमस्ते। बाय बाय। बाय बाय। हेलो माइकल, मैं शेखर बोल रहा हूँ। शेखर? कौन सा शेखर? अभी उल्लू, डॉक्टर शेखर। उल्लू? उल्लू बनाने से पहले ही टाइटल दे रहे हो? हो सकता है ये टाइटल मैं तुमको दे दूं? अच्छा ये बताओ, अगर तुम असली हो तो कबाट की चाबी कहाँ रखते हो? राइटिंग टेबल के द्वार के 3रे खाने में। करेक्ट। बात ये कि यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ये मालूम करना जरूरी था के पार्टी असली है या डुप्लीकेट। अच्छा अच्छा, क्या हाल है उस कबूतर का? अरे उस कबूतर को तो ब्लैक बर्ड वाले मुर्गा बनाकर अपने साथ ले गए थे, मगर कमबख्त न जाने कैसे भूत बनकर वापस आ गया। वापस आ गया कैसे?
ये पहली अपनी समझ में अभी तक नहीं आई, लेकिन आप घबराइए मत, वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो गया है। वो अपने जाल में से निकलकर भाग गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगी माइकल। मुश्किल कम खतरा ज्यादा है, आप कुछ दिनों के लिए अभी उसी आबो हवा में वहीं टिके रहिए, कहीं ऐसा ना हो ब्लैक बर्ड वाले इस बार धोखे में कहीं आप ही को। तुम मेरी फिक्र मत करो माइकल, अगर तुम मुझे मजबूर भी करोगे ना तो मैं जल्दी वापस आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम नहीं जानते मुझे यहाँ पर हर वो खुशी मिल रही है जिसके लिए मेरी जिंदगी हमेशा प्यासी रही। प्यास तो बुझाइए, लेकिन पोजीशन का भी जरा ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि अब जो होगा हो जाने दो, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। चलो पहले नाग देवता को तो आ जाने दो। नाग देवता? अगर नाग देवता ये दूध पी लें तो समझ लो मेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अरे जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया, और तुम अपने नाग देवता से मुरादें पूरी करवा रही हो। अरे छोड़ो इन चक्रों को, चलो चलो। पर सुनो तो, भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास है तुम्हें। अरे उसी का तो चमत्कार है रे कि तुझे इंसान बना दिया। कल तक मैं तुझे मेंढक की झिपकली लगती थी, और आज मौत से भाग रहा था। तेरी तो आजा तो मरेगा। हाँ हट उल्लू के पट्टो। तुम गिर गए, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे लग गया, ठहरो अभी इंजेक्शन लगाता हूँ। अरे भूल गया। लगता है तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है। ठहरो ठहरो, रानी मार। अगर डॉक्टर इलाज पर विश्वास नहीं है बांध लगाइए, दर्द से छुटकारा पाइए। अरे बाप, कौन सा बाप बोला? तो चलो रानी, चलो मजबूरी थी, मंदिर के आसपास इतने आदमी थे, अगर हम जबरदस्ती करते तो हमारी हड्डी फसली नहीं मिलती। इसका मतलब यह हुआ आजाद होकर घूम रहा है। हेलो, कौन? भूषण बोलो, क्या बात है? चीफ, डॉक्टर शेखर को मैंने यहाँ गोवा में एक लड़की के साथ मजे उड़ाते हुए देखा है। क्या बकते हो, डॉक्टर शेखर तो इस वक्त हमारे इलाके में है, तुम्हारी आंखों को जरूर कुछ धोखा हुआ है। नहीं चीफ, मैंने पूरी इंक्वायरी की है, आज ही शेखर मैसूर के वृंदावन गार्डन जा रहा है। तो सुनो, तुम उस पर कड़ी नजर रखो। ओके चीफ। जिमी, ये कैसे हो सकता है? भूषण कह रहा है कि डॉक्टर शेखर इस वक्त गोवा में है। वो यही मौजूद है, लेकिन
एक ही आदमी एक वक्त में दो जगह कैसे हो सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। जिमी, शेखर को पकड़ के लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे वो गोवा में हो चाहे वृंदावन में। पापू, पापू, क्या हो मेरे पापू को? नकली शराब पी ली, जहर चढ़ गया। पापू, पापू, अरे क्या हुआ शंकर को? जहरीली शराब पी ली, अब क्या होगा? सब पर मुंह क्या देख रहे हो? तू जाकर डॉक्टर को बुलाना। भेजा है माँ जी।
एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो ये इंजेक्शन मत लगाइए, इसका रिएक्शन हो सकता है। बात नहीं, खतरा टल गया है। पर तू ये सब कैसे जानता है? हाँ? सच बता, तू राजा ही है ना? हाँ? शाबाश राजा, तुमने कंपाउंडर की थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आज एक आदमी की जान बचा दी। क्या? लेकिन ये तो मोटर के कारखाने में। लेकिन माजी, ये शहर में मोटरों के साथ साथ मेरे दवाखाने में कंपाउंडरी भी सीखता रहा है। हाँ माँ, ये उसी दवाखाने के डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल। एक्सक्यूज मी, माफ करना। अच्छा वो वक्त आ गए, बाल बाल बचे। तुम तो बच गए, लेकिन तुम्हारा बेड नंबर 13 बचने वाला नहीं है। डॉक्टर कपूर भी हिम्मत हार चुके हैं, तुम नहीं गए तो वो जरूर मर जाएगा। तो तुम क्या करें? मैं गाड़ी लाया हूँ, रास्ते में खड़ी है, चलो भाग चले। हाँ हाँ चलो। शेखर मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हेलो, ला 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 ला। हाँ, आप लोग यहाँ भी पहुँच गए? पकड़ लो इसे। अरे छोड़ दो मुझे, मुझे ढूंढेगी। अरे हम भी तो ढूंढते ढूंढते गोवा से वृंदावन आए बेटे, चलो। लेकिन कहाँ? तेरे बाप ने तुझे याद किया है। बाप रे बाप। अरे अरे संभाल के, जरा संभाल के। सुनो, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर शेखर ये? बिल्कुल चीफ, मेरे सामने उसने एक आदमी को इंजेक्शन लगाया, और वो इंजेक्शन सिर्फ एक डॉक्टर ही लगा सकता था, कोई नाड़ी नहीं। और चीफ, गांव का हर आदमी उसे राजा के नाम से पुकारता है। ये वही राजा है जो एम्यूजमेंट पार्क में काम करता था। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो और मेरे टेलीफोन का इंतजार करो, समझे? ओके चीफ। ये तो राजा है, ये हमारे अम्यूजमेंट पार्क में काम करता था। हर फन मौला था, उल्टा सीधा करना, पत्ते लगाना, जुआ खिलवाना, इसका तो धंधा था। न जाने अचानक क्या हो गया, यहाँ से काम करना छोड़ दिया। काम करना छोड़ दिया या उससे भी बड़े काम करने लगा? लेकिन आप इसके बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस का आदमी लगता है, न जाने इसने क्या किया, क्या लफड़ा किया, कुछ पता नहीं चलता। ये राजा साहब, हमारा स्वागत पसंद आया आपको? देखो राजा, हम जानते हैं कि तुम अपना नाम बदलकर डॉक्टर बनकर घूम रहे हो, लेकिन जरा सोचो, इस खतरनाक नाटक के बदले तुम्हें क्या मिलता है? सिर्फ चंद हजार रुपए। हमारा कहा मानो तो हमेशा के लिए डॉक्टर की गद्दी पर बैठकर राज करोगे राजा। वो कैसे? डॉक्टर का खून करके। खून? अरे हे भाई, कोई छोटा मोटा काम बोलो भाई, ये खून उनका लफड़ा अपने साथ नहीं। हाँ। नहीं कर सकते ना? कोई बात नहीं, ये शुभ काम हम कर देंगे, और तुम अकेले लाखों की जायदाद के मालिक बनकर ऐश करना। मगर मगर क्या? मगर उस लाखों की जायदाद में से थोड़ा सा ब्लैक टैक्स तुम्हें ब्लैक बर्ड को देना होगा, यानी कि सिर्फ 10 लाख रुपए। इनकार तुम कर नहीं सकते, वरना पुलिस के सामने हम तुम्हारा भांडा फोड़ कर देंगे और तुम जेल की दीवारों से अपना सर फोड़ते रहोगे। बोलो, राजा बनकर राज करना चाहोगे या? राज करना चाहेंगे। शाबाश। पी लो। अरे पी लो, 1 रुपए में अमृत यही मिलता है, पी लो पी लो। राजा राजा। हाँ? मुझे को पता नहीं क्या हो गया। हाँ? सारा बदन ठंडा हो गया, कुछ बोल ही नहीं रही, जल्दी चल चल ना। चल माँ। मौसी। क्या हुआ माँ?
उसी। माँ, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मौसी, तुम यहाँ बैठ जाओ। चीफ, डॉक्टर शेखर गांव से अस्पताल पहुंच गया है। गुड, हमारा काम और भी आसान हो गया। वो कैसे? अब राजा को अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। खतरी कोई बात नहीं, चीज ऑल राइट। जैसे होश में आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। हाँ राजा, कैसी मौसी? मौसी अब बिल्कुल ठीक है, कोई खतरा नहीं। तू सच कह रहा है ना? हाँ, डॉक्टर साहब ने उन्हें बचा लिया है। कितने अच्छे हैं डॉक्टर साहब, मुझे उनसे मिला दे, मैं उनके चरण छूकर। ओ रानी, तुम समझती नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर साहब को थैंक यू बोल के आता हूँ। बैठो बैठो। राजा? राजा नहीं, डॉक्टर शेखर एमडी। ओहो हाँ, डॉक्टर शेखर तुम यहाँ बैठे हो, वहां पर जो तुम्हारी माँ है ना, वो उधर। अरे अरे, डोंट टच मी, अदब से पेश आओ। आ आपका नाम रानी है? हाँ। आपकी मौसी को होश आ गया, बुला रही हैं। हाँ। आओ। अब कैसी तबीयत है मौसी? राजा कहाँ है? राजा डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने गया है। अच्छा। ये किसकी फोटो है बेटी? ये इस अस्पताल के मालिक और डॉक्टर शेखर के डैडी हैं। डॉक्टर शेखर? वही जिन्होंने अभी अभी आपकी जान बचाई। 25 साल पहले इन्होंने मेरी जान बचाई थी और आज इनके बेटे ने मुझे नई जिंदगी दी है। ये कहाँ है? मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। आप लेटे रहिए, वो यही है, इसी शहर में है। मैं टेलीफोन करके उन्हें यहाँ बुला देती हूँ। फिर रिलैक्स। डॉक्टर? वो औरत आपके डैडी से मिलना चाहती है। कौन औरत? वही जिसे अभी अभी आपने अटेंड किया। मैंने? अच्छा वो औरत। हाँ वही औरत। वो कहती है एक बार आपके डैडी ने भी उसकी जान बचाई थी, वो उनसे मिलना चाहती है। मेरे डैडी? ओह यस, मेरे डैडी। हाँ बस गए डॉक्टर राजा, अगर शेखर के डैडी यहाँ आ गए तो होगी तेरी छुट्टी, भाग ले यहाँ से। सर? हाँ? सर? हाँ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं आपके डैडी को फोन कर दूँ। हाँ आपने डैडी को फोन कर दो प्लीज। हरिया दोनों गाड़ियों को रोड पे डालो, गाड़ियाँ चलती हुई अच्छी लगती है, नहीं तो जंग लग जाता है जंग। जैसे तुम्हारी मर्जी, कल पंडित को बता लेते हैं। लो बज गई घंटी। मुहूर्त अच्छा है। हेलो। मैं सपना बोल रही हूँ सर। यस। इमरजेंसी केस में एक औरत आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। उसे मिलना चाहती है? क्यों? उसका कहना है आज से 25 साल पहले जब वो प्रेग्नेंट थी आपने उसकी जान बचाई थी। आप आ रहे हैं ना सर? अच्छा मैं भी आता हूँ। अरे तुम लोग मिलकर क्या कर रहे हो, मुझे बांध क्यों रहे? अरे बांधना गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। अरे छोड़ना, डोंट टच मी, बिहेव योरसेल्फ। हाँ अरे सुनो, हे अरे दुखता है यार, चुपता छोड़ो ना, लो दोस्ती कर लेते हैं। सुनो हे मिस्टर, हे मिस्टर, अरे सुनो हे मिस्टर, अरे जेंटलमैन स्माइल प्लीज, जरा हंसो ना। नहीं बाप रे, रिवॉल्वर। एक्सक्यूज मी, आप लोग एक्शन पिक्चर बहुत देखते हैं क्या? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? तुम्हारी जिंदगी की कीमत, जो पहले सिर्फ 5 लाख रुपए में तुम्हारे बाप को बेचना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारा डुप्लीकेट राजा 10 लाख रुपए में तुम्हारी मौत खरीदना चाहता है। राजा? हाँ, लेकिन घबराओ नहीं डॉक्टर, हम तुम्हें फौरन नहीं मारेंगे। 10 लाख रुपए के कमीशन के बदले हम तुम्हें 10 मिनट की जिंदगी देते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। तुम चाहो तो अपने माँ बाप को याद कर सकते हो।
क्यों है ना 5 लाख की जिंदगी से 10 लाख की मौत बेहतर? अरे इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा, दिल का दौरा। हाँ हार्ट अटैक। अरे मुझे खोलो, मैंने बचा सकता हूँ। मैं डॉक्टर शेखर हूँ, एमडी, हार्ट स्पेशलिस्ट। जी हाँ। अरे मुंह क्या ताक रहे तुम लोग? अरे खोलो ना, खोल दो। दिस पुअर फेलो विल डाई, जल्दी मर जाएगा भाई। अरे जेंटलमैन लोग खोलो ना। हाँ हरी अप, थैंक यू। पेन पेन है किसी के पास? आ जाइए, दवाई और इंजेक्शन लेकर आइए। आई विल लुक आफ्टर हिम। अरे रानी ऐसे क्या देख रहा है? अरे इतनी जल्दी कपड़े कहाँ से बदल आया? तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता नहीं, बॉसी को होश आ गया, तुझे बुला रही है, चला। माँ 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 राजा तू आ गया बेटे, तुझे मालूम है आज जिस डॉक्टर ने मेरी जान बचाई है उसी के पिता ने तेरे जन्म के समय हम दोनों की जान बचाई थी। ये मेरे लिए भगवान के समान है। तुम नहीं, लेटे रहो लेटे रहो। मेरा और मेरे बच्चे का जीवन आप ही का दिया हुआ है, आप मेरे लिए देवता समान है। बस करो बहन, मुझे देवता कह के भगवान का अपमान ना करो। तुम नहीं जानती मैं कितना खुदगर्ज हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। हमारी शादी को 10 साल बीत गए थे, फिर भी मेरी पत्नी की गोद सूनी थी, बच्चे की तमन्ना में मंदिर मंदिर घूमते रहे, अनगिनत देवी देवताओं की पूजा की। उस तूफानी रात भी एक मंदिर से वापस लौट रहे थे कि तुम हमें सड़क पर बेहोश पड़ी थी और हम तुम्हें उठाकर पास की कुटिया में ले गए जहां तुमने बेहोशी के आलम में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जुड़वा बच्चे? हाँ जुड़वा बच्चे। सच? हाँ। ये बात दाई के अलावा सिर्फ मेरी पत्नी को और मुझे ही मालूम थी। जुड़वा बच्चों को देखकर मेरी पत्नी की ममता एक मरतब फिर से जाग उठी। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और ये राज कैंसर की तरह मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा कि एक मां के होते हुए उसका बेटा। मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? ये डॉक्टर शेखर कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा दूसरा बेटा। नहीं नहीं, ये तो मेरा राजा है। राजा? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो शेखर है, डॉक्टर शेखर। मैं डॉक्टर शेखर नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। हाँ 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 माँ, शेखर और मेरी शक्ल एक जैसी है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर मैं डॉक्टर शेखर बनता रहा और आज अनजाने में अपने ही भाई को मौत के मुंह में डाल दिया। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसे लेकर आऊंगा छुड़ा कर। हाँ तो डॉक्टर, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। तुमने एक ऐसे शख्स को जान दी जो तुम्हारी जान लेना चाहता था, तुमने मुझे इंसान बना दिया और एक इंसान दूसरे इंसान की जान नहीं ले सकता। जाओ बेटे जाओ।
अरे जाओ कैसे, 10 लाख का चेक कैश किए बिना इसे कैसे जाने दे चीफ। जिमी खबरदार जिसे हाथ लगाए तो। समझना नारियल वाली हूँ, नारियल काटती हूँ। विम्पो सर कम ऑफ द इंटेस्टाइन, बहुत बड़ी बीमारी, बड़ी बीमारी है। आकरो अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो गए हो क्या? लग गया, चलो 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 चलो। अरे चलना भी। दुबई अबू धाबी। अबे बगैर पीवीपी के। पीवीपी का क्या चक्कर है? अबे बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा, बगैर पैसे के आ जाए। दो सवारी हो लिया, पूरी बोर्ड भर जाएगी, जल्दी जा। अब भी जाए लेकिन मेरी जगह रखना। अबे तू आ तो सही साले, वापस तो आ। बैठ जाओ, पहुंचा दूं? पहुंचा दो। ब्लैकबोर्ड के चमचो, हाँ लटको लटको, एंजॉय योर सेल्फ। इसके लिए खटिया खाली नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर ही लेटेगा। अरे मैं हूँ वो तो गया। आ गया तेजू क्या? ठहरो ठहरो, दवा खत्म, नो मेडिसिन। ऐसा क्या? ये रे चल फुट। माँ जी हाँ, माँ। बेटा ये है तेरे पिताजी, अपना बेटा डॉक्टर शेखर। हमारा बेटा। माय डैडी। आपके डैडी, मेरा मतलब है राजा के डैडी। राजा और आप दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों के डैडी, यानी कि राजा और आप दोनों जुड़वा भाई हैं। इट्स वेरी सिंपल। और वो तुम्हारा दूसरा बेटा राजा। राजा मेरा भाई, माय माय ओन ब्रदर। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर बेटा डॉक्टर। इनमें से मेरा डॉक्टर शेखर कौन सा है? तुमको
तो शेखर की पड़ी, मैं खुद अपने राजा को ढूंढ रही हूँ। तू लाजवाब बेमिसाल, दिल पर यार दिल पर जानी, क्या मैं क्या प्यार मेरा है तेरी मेहरबानी। शेखर भैया, ये गाना आप? हाँ, जब तुम और लता गार्डन में गा रहे थे ना, मैं छुप छुप के सुन रहा था। तो भैया फिर हो जाए? हाँ हो जाए। 1 2 3